सुजानपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत रंगड़ के सुनू गांव में विधायक राजेंद्र राणा ने उस गौशाला का भी दौरा किया जहां पिछले सप्ताह 7 से 8 गायें मृतक पाई गई थी तथा पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के बाद गौओं को बेसहारा छोड़कर गौशाला संचालक अपने परिवार सहित फरार है। विधायक राजेंद्र राणा ने गौशाला का निरीक्षण कर वहां अन्य करीब 25 गांवों की देखभाल में जुटे युवाओं की सराहना करते हुए पुलिस प्रशासन को दूरभाष पर निर्देश दिए कि गांवों के साथ ऐसा कृत्य करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा मौके पर निरीक्षण करने आई एसडीएम सुजानपुर शिल्पी बेगटा को इन गांवों को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करने के निर्देश दिए, जिस पर एसडीएम ने बताया कि इन गांवों को खैरी स्थित गौ सेंचुरी में शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि गौ हत्या एक महान अपराध है, गौ हत्या में सम्मिलित लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसा कृत्य करने की ना सोच सके। इस मौके पर उनके साथ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन ज्योति प्रकाश, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष लेखराज ठाकुर, चलोह पंचायत के प्रधान राजेश कुमार, उप प्रधान विजय कुमार, वार्ड मेंबर सुरेंद्र कुमार व अन्य लोग मौजूद रहे।